दोस्तों अगर आप एक एंड्रॉइड डिवाइस यूज करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एंड्रॉइड कीबोर्ड की भी जरूरत पड़ती होगी टाइपिंग के दौरान। तो देखिए दोस्तों, एक कीबोर्ड इतना इंपॉर्टेंट रखता है जैसे कि अदर फीचर जैसे कि म्यूजिक वीडियो, तो वैसे कीबोर्ड भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छा कीबोर्ड आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है, आपकी टाइपिंग को ईजी बना सकता है, आसान बना सकता है। तो अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको लॉट्स ऑफ वैरायटी मिल जाएगी, बहुत सारे जो है तरह तरह के कीबोर्ड ऐप मिल जाएंगे, बट उनमें से बेस्ट चुनना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 बेस्ट कीबोर्ड फॉर आपके एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दिस रेड सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो देखिए दोस्तों, लिस्ट में जो पहला नाम है वो है क्रोमा कीबोर्ड। तो देखिए दोस्तों, अब इस कीबोर्ड में खास क्या है। तो सबसे पहले ये जो कीबोर्ड है, एप्लीकेशन के जो हाईलाइट कलर है उसके अकॉर्डिंग अपने आप कीबोर्ड का कलर चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्विटर पर अगर ब्लू कलर है तो ये ब्लू करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये स्वाइप करा तो यहाँ पर और कुछ कलर दिखा रहा है। फेसबुक पर भी ये ब्लू कलर दिखाएगा, इंस्टाग्राम पे जो है आपको पर्पल कलर दिखाएगा। तो कुछ इस तरह से कलर चेंज करेगा ऐप के मास्टर कलर के अकॉर्डिंग। इसमें जो है आपको इनकॉग्निटो मोड भी जो है मिल जाएगा। इनकॉग्निटो मोड जो है बेसिकली ब्राउजर में होता है, बट आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। बेसिकली क्या करता है, आप जो भी वर्ड कर रहे हो वो ये सेव नहीं करेगा। उसके बाद जो सिक्योरिटी के पर्पज से, अगर सामने वाले पर्सन के पास भी जो है क्रोमा कीबोर्ड है तो ये बहुत ही सहूलियत वाला ऐप हो जाता है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट इंक्रिप्टेड का ऑप्शन आ जाता है जो आपकी टाइपिंग को जो और भी सिक्योर बना देता है। तो अगर आपको ये कीबोर्ड जो ट्राई करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हो, इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो उसके बाद आता है फ्लास्की कीबोर्ड। तो फ्लास्की कीबोर्ड भी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप अगर कुछ भी टाइप करते हैं और आपसे बाय मिस्टेकली जो पूरा वर्ड टाइप हो जाता है तो आपको जो है बैक बटन दबा, आपके क्रॉस बटन दबा दबा के बैक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्वाइप लेफ्ट। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से करते ही आपका जो है सारा वर्ड जो है क्लीन हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। उसके अलावा इसमें काफ़ी सारे साउंड के ऑप्शन भी मिल जाते हैं अलग अलग तरह के, जो चारों साउंड जो काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा आपको इसमें जो काफ़ी सारे थीम जो है मिल जाएंगी, और इन थीम्स को जो आप परचेज कर सकते हो फ्लास्की कॉइन के द्वारा, जो आप एड वगैरह वॉच करके जो है कमा सकते हो, रेफर करके कमा सकते हो। और इस कीबोर्ड में जो है बाय डिफॉल्ट जो है यूट्यूब सर्च का ऑप्शन भी आता है, अगर आप यूट्यूब वीडियो को सर्च करना चाहते हो डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट कीबोर्ड जो लिस्ट में आता है वो है ग्रामरली। तो देखिए दोस्तों, ये एक बेसिक सिंपल सा ऐप है, यानी कि कीबोर्ड ऐप है। इसमें ज़्यादा आपको फीचर देखने को मिलेंगे नहीं, सिर्फ ब्लैक और वाइट जो थीम देखने को मिलेगी। तो इसमें खास क्या है दोस्तों, ये ग्रामरली जैसे ग्रामेटिकल एरर जो भी आप करते हो वो उसे फिक्स कर देता है, उसको जो सजेशन देता है आपको। ये काफ़ी अच्छा ऐप है। तो अब इसमें खास क्या है वो तो दूसरे भी देते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रामरली काफ़ी पॉपुलर जो है एरर फाइंडिंग और जो है ग्रामेटिकल एरर फिक्स करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जो को इसको जो है काफ़ी सारे ब्लॉगर जो है यूज करते हैं अपने ब्लॉग्स को जो है लिखने के लिए उन्हें प्रूफ रीडिंग के तौर पर। तो आप जो है एक अच्छी कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते तो आप जो ग्रामरली को यूज कर सकते हो। तो कीबोर्ड की बात चले और जो है स्विफ्ट कीबोर्ड ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर नंबर 2 पोजीशन पर है स्विफ्ट कीबोर्ड, जो कि मैं अभी टाइम से जो है यूज करता आ रहा हूँ। हालांकि फिलहाल मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँ, बट जो मेरे जो है फेवरेट ऐप में से एक रहा है। आप इसमें जो है अपनी टाइपिंग स्टेट को देख सकते हो कि आप कौन से टाइपिंग में जो है कौन से वर्ड पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हो, आपने कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा टाइप किया है। उसके अलावा जो थीम की वैरायटी भी जो इसमें काफ़ी सारे आपको मिल जाएगी, वो साथ ही जो आप अपना खुद का थीम भी जो इसमें क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो है छोटे से लेकर बड़े तक सारे फीचर जो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप जो इसे ट्राई कर सकते हो। तो प्ले स्टोर पर जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है इस ऐप की, यानी कि पॉपुलर से 1 मिलियन से भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है वो है जीबोर्ड। जीबोर्ड जो है काफ़ी पॉपुलर जो है गूगल का बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड है। जीबोर्ड जो काफ़ी सारे जो है ऐप में जो है काफ़ी सारे फ़ोन में जो बाय डिफॉल्ट भी आता है, तो आपको सिर्फ अपडेट करना होता है बहुत बार। तो जीबोर्ड में भी जो है स्विफ्ट कीबोर्ड की तरह जो काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं। आप जो है इसमें मल्टीपल थीम चूज कर सकते हो, यहाँ पर जो ट्रांसलेट कर सकते हो, यहाँ पर गूगल सर्च कर सकते हो। तो ये तो इसके कुछ फीचर हैं गूगल के जीबोर्ड की, तो आप ज़रूर जो है डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिए। तो आपको कौन सा कीबोर्ड सूट करता है आप जो एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि 5 कीबोर्ड जो है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। तो मैं आई थिंक आपको इनमें से डेफिनेटली एक कीबोर्ड ज़रूर है जो पसंद आएगा।
तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो जानकारी कैसे लगी। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम।